हेलो मेरे क्यूरियस दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपको पता होंगे, और वैसे भी आपने थंबनेल में देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि सिर्फ 2 क्लिक करने हैं और यार सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार। थंबनेल देख ही लिया होगा, उसमें से आपको शायद इसका टॉपिक भी ध्यान चल गया होगा आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है। गाइस बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस बिना देरी किए चलिए फैक्ट नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। और गाइस फैक्ट नंबर फर्स्ट ये है कि क्या कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी डेजर्ट के अंदर फॉल हो सकती है? अगर नहीं गाइस तो मैं बता दूं कि सहारा डेजर्ट जो है उसके अंदर स्नोफॉल हो चुकी है भी लगातार आधे घंटे तक। और मैं डेट बता दूं आपको, 18 फरवरी 1979 को एक स्नोफॉल हुई थी लगातार आधे घंटे तक सहारा डेजर्ट में। इंटरेस्टिंग राइट? सो गाइस चलिए फैक्ट नंबर सेकंड पे चलते हैं। और गाइस फैक्ट नंबर सेकंड ये है कि जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट जगह है, यानी कि सबसे ज़्यादा सूखी जगह है, वो एंटार्क्टिका में हो सकती है। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। और गाइस एंटार्क्टिका में एक ऐसी जगह है, नाम मेरे को रिसर्च करने पे नहीं मिला, कि वहाँ पर 2 मिलियन साल यानी कि करीब 20 लाख सालों से वहाँ पर कभी बारिश ही नहीं हुई आज तक। इनक्रेडिबल राइट? सो गाइस चलिए फैक्ट नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। और गाइस फैक्ट नंबर थर्ड ये है कि जो दुनिया की ट्रांसपेरेंट कार्स है, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जिसका इंजन ब्रेक्स वगैरह सारा कुछ आपको बाहर से देखने को मिल जाएगा, ऐसी कार्स जर्मनी में अलाउ है कि आप चला सकते हैं स्ट्रीट्स के अंदर भी। गाइस बिना देरी किए चलिए फैक्ट नंबर फोर की ओर चलते हैं। और गाइस फैक्ट नंबर फोर ये है कि जो अपनी जो चीज़ें घूम जाती है और गाइस वो अपने ढूंढते रहते हैं, लेकिन एक रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि जो ह्यूमन की जो आइज़ है वो अनप्रोडक्टिवली काम करती है किसी चीज़ को ढूंढते टाइम। यानी कि आप सामान उठा रहे हो किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, लेकिन आप अपनी नज़र नहीं घुमा रहे हो कि कहीं वो सामान इधर ही पड़ा हो। मुझे लगता है कि आप अगली बार से आप अपनी आंखें ज़्यादा हिलाएंगे अपने हाथ हिलाने से ज़्यादा। चलिए फैक्ट नंबर फाइव की ओर चलते हैं। और गाइज ये एक फिजियोलॉजिकल फैक्ट है, वैसे तो ये फैक्ट नहीं कह सकते इसको, लेकिन है ये कि हम कोई सपना देखते हैं और उसके कुछ दिनों बाद में हमें लगता है कि हमने ऐसा सपना पहले भी कभी देखा है। तो गाइस ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा माइंड है वो हमारी ड्रीम्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर देता है कि उसको बाद में लगता है कि मैंने ऐसा कुछ पहले से भी देख रखा है, और वो आगे आने वाली चीज़ों को भी बता देता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, बहुत मेहनत लगी है यार इस वीडियो को, काफ़ी टाइम लगा है। गाइस चलिए फैक्ट नंबर फाइव की ओर चलते हैं। और गाइस फैक्ट नंबर फाइव ये है कि जो लॉबस्टर और जेलीफिश है उनको रिसर्चेस के द्वारा इमोर्टल बताया गया है कि ये कभी नहीं मरेंगे, कि जब तक इनको आर्टिफिशियली इनको मारा ना जाए, यानी कि अगर कोई इनको कुचल दे या फिर कोई जानवर इनको खा जाए तब तक ये नहीं मरेंगे। गाइस चलिए फैक्ट नंबर सेवन की ओर चलते हैं। और गाइस फैक्ट नंबर सेवन ये है कि जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर 13 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, और वहीं जो घोड़े होते हैं उनके अंदर 8 तरह के होते हैं जिनका नाम होता है ACDKPQU और T। वहीं जो गाय होती है उनके अंदर 10 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, वो होते हैं ACFJLMRST और Z। वहीं जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर सिर्फ 4 तरह के होते हैं, AB, AB और O। सो गाइज लेट्स जंप टू द फैक्ट नंबर एट्थ। और गाइज फैक्ट नंबर एट्थ ये है कि जो हमारी अर्थ के चारों ओर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं जो आदमियों के द्वारा ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है, और एक रिसर्च के मुताबिक अर्थ के चारों ओर 38,000 यानी 38,000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही हैं। ये फैक्ट नंबर नाइन्थ की ओर चलते हैं। और गाइस फैक्ट नंबर नाइन ये है कि किसी भी सोते हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब करने से उसका जो परमानेंट ब्रेन लॉस हो सकता है। तो गाइस किसी भी बंदे को उठाते टाइम थोड़ा ध्यान से उठाना चाहिए, हो सकता है कहीं उसके कोई ब्रेन में दिक्कत आ जाए। चलिए फैक्ट नंबर टेन की ओर चलते हैं, यानी कि हमारे लास्ट फैक्ट की ओर। और गाइस लास्ट फैक्ट ये है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देते टाइम बीच बीच में पानी भी पीते हैं,
वो अपना 5% बेटर स्कोर करते हैं बजाय उन बच्चों के जो नहीं पीते हैं। सो गाइज, जब भी कोई एग्ज़ाम दो, जैसे कि अभी CBSE बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और कोई भी आप अगर एग्ज़ाम दो, हो सके तो पानी का यूज़ बहुत करना अपना रिज़ल्ट बेटर करने के लिए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो गाइज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपको जानिए कि ये चैनल नया है, और गाइज अगर कोई आपको मिस्टेक या फिर कोई सुझाव देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।